नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। महंगाई व केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिलों के विरोध में लोगों को जागरूक करने के लिए कुल हिंद किसान सभा, कुल हिंद खेत मजदूर सीटों द्वारा नाटकों का सहारा लिया जा रहा है। इन संगठनों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जाकर नाटकों का आयोजन कर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। देखें सिटी हलचल की है रिपोर्ट। देश भर में तेजी से बढ़ती जा रही महंगाई व केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिलों के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कुल हिंद किसान सभा, कुल हिंद खेत मजदूर व ट्रांसपोर्ट एकता संघर्ष कमेटी द्वारा अब नाटकों का सहारा लिया जा रहा है। नाटकों का मंचन करने वाले कलाकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की नकल करते हुए दर्शकों को खूब तालियां बटोर रहे हैं। रेड आर्ट्स क्लब के 40 सदस्य पूरे पंजाब में इसी तरह के नाटकों का मंचन कर रहे हैं। जेबों में पैसा 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 आएगा, एक बार लागू करके चुप करके दस भी तू है कितने मैं हाँ। अरे हम तो आपके दिल में रहते हैं किसान भाई। बाहर निकल, हार्ट अटैक कराएगा तू मैनू। अरे सुनिए, आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। हाँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, तू डरने वाले तो नहीं है। मैं नहीं जी, तू डरता नहीं तो कंडे को लाए सी, जब डरता नहीं तो सोए को पुटे सी, जब डरता नहीं तो कंडालियां तारा को लिए सी, जब डरता नहीं तो फौज को खड़ी की सी। हैं डरता नहीं तू, ऐडा नहीं डरता लास्टली ट्राली को लाके दिखा दे मैनू तू। जे तू वापस मुड़ गया तो तू जीत गया, जे असी मुड़ गए तो कानून वापस कर दे। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझे जानते नहीं हो। आप मेरा इतिहास देखो, पिछले 7 सालों में मैं किसी के आगे झुका नहीं हूँ। अच्छा, तेरा 7 साल का इतिहास भी तू झुकया नहीं है? ओए जे तेरा 7 साल का इतिहास है तो साडा भी 550 साल का इतिहास है, तू कैसे भी नहीं कितने। हेलो, फोन कर दिया। हेलो हेलो, बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है। फोन कर दिया, काट दिया, कट गया ही, कट गया हूं, कट गया, हां जी कट गया, ठीक है जी, फोन कट गया जी, फोन कट गया, कट गया ही फोन। हमें भी लगता है कि आप लोग बड़ी तादाद में यहां बैठे हो, आपकी ताकत सरकार से बड़ी है। हमें कानून रद्द कर देने चाहिए, लेकिन किसान भाइयों, ये कानून मैंने नहीं बनाए, ये बनाए हैं कारपोरेट घराने के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अबानी जी ने, उनने बनाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तीन कानून आपके पक्ष में बने हैं, बिल्कुल आपके पक्ष में बने हैं। एक बार इनको लागू करके देखो, आपके खातों में, आपकी जेबों में पैसा 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 आएगा। मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं धरना लगा के, इस धरने को खत्म करो, अपने अपने घरों को जाओ, आपको सुख मिलेगा। लेकिन कुछ लोग दुष्ट प्रचार कर रहे हैं कि ये काले कानून है, ये कृषि विरोधी कानून है, ये किसान विरोधी कानून है, उनको इनके फायदे समझ ही नहीं आ रहे। मैं पूछना चाहता हूं अपने पीए से कि जिन लोगों की ड्यूटी हमने आंदोलन के बारे में लगाई है, उन लोगों के बारे में मुझे पूरी जानकारी दे, ताकि अगली कार्रवाई हो सके। पीए, ओ पीए। हाँ जी, कड़ी पीए, रात आई रोस्ट स्टैक बीती से, और कड़ी पीए। ओ पीए, तू मेरा पीए। ओ सॉरी। हाँ जी, मुझे इन आंदोलनकारियों के बारे में पूरी जानकारी दो, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। सर, जिहड़े अपने चैनल वाले उन्होंने फुल एजेंडे चलाए सीगे, जिवें अपना सी न्यूज है, वो तो अजी किसानों ने बोलने जोगा ही नहीं छड्डिया। क्यों? क्योंकि जी अपने एजेंडे कुछ होर सी, चलाई कुछ होर चाहते सी। तो आज तक तो जी वो बुरा हाल है जी, वो तो हुण जी कल तक ही रह गया। ओ, अगर ये किसान नहीं उठते इनको उठाने के लिए, इनके ऊपर पानी की बौछारे करो, ये डर के मारे भाग जाएंगे। मोदी साहब, पानी दी बौछारा कीतिया सी, एदा पतंदर कपड़े ला ला अगे हो के खड़ गए, उतो लाली साबण कहिंदे वाह खुला पानी उहदा निशान होई जांदा। अच्छा, हाँ तो फिर ऐसा करो, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ो, ये भाग जाएंगे। मोदी साहब, वो भी कीते सी, फिर आंसू गैस के गोले भी सिटे।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘਾਹ ਗੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਸੇਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਇਨਕੋ ਡਰਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਗਾ ਤੋ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਭਾਗ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੱਟੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਲਾਠੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲ ਪਿਆ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਆ ਤੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੋ, ਧਰਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਬੈਠੇਂਗੇ, 10 ਦਿਨ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਅਰੇ ਜਬ ਖਾਣੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਗ ਜਾਏਂਗੇ। ਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਜੂਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਤਾਓ, ਇਨਕੋ ਲੰਗਰ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੈਸਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਨਕੋ ਭਾਗਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਨਕੋ ਡਰਾਨਾ ਹੋਗਾ, ਧਮਕਾਨਾ ਹੋਗਾ। ਕੈਸੇ ਡਰਾਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੇ, ਉਨਕੋ ਡਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੋਲਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਵਾ। ਆਮ ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਤੋ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਵਾ। ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਦਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚ। ਬਾਤ ਕਰਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮਾਨਣੀਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀਏ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੇਰੀ ਅੱਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਚਵਲ। ਓਏ ਗੰਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚਵਲ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਚਵਲ ਚਵਲ ਚਵਲ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਚਵਲ ਚਵਲ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਆਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇਹ ਚਵਲ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬੜਾ ਏਕ ਚਵਲ ਪਾਰਟੀ ਮੇ ਔਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੀ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। सिटी हलचल से बात करते, क्या कहा सुरजीत सिंह ढेर ने पहले जे सुने? कुल हिंद खेत मजदूर सेतु ट्रांसपोर्ट एकता संघर्ष कमेटी वालों असी इलाके के अंदर लोगों को मंगा प्रति जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि नैशनल लैवल से तिना जथेबंदियों ने सद्दा दिता वा कि जो लोगों मुश्किल है, लगातार जी महंगाई बढ़ रही है, तीन खेती कानून काले कानून है जो मोदी सरकार ने पास किए हैं, उन्होंने लोगों को पिंडों से जागरूक करने लिए कि लोगों आओ, डीजल दियाँ, पेट्रोल दियाँ, गैस दियाँ कीमतां जिहड़ियां लगातार वधदियां जा रही, साडियां खाण पीण दियां चीज़ां लगातार वधदियां जा रही, महंगाई लगातार वधदी जा रही है, लोगों को रोजी रोटी अपने परिवार पालने औखे हो रहे हैं, जिस करके सारे देश के अंदर पंद्रवाड़ा मनाया जा रहा, तो 9 अगस्त को नैशनल लैवल से जिला हैडक्वाटर से लोग डीसियां अगे दफ्तर अगे अपने आप को गिरफ्तारी पेश हो गए, ते साडा मुख तौर पर नारा होगा कि कार्डबोर्ड घराने साडा देश छड्डो। 9 अगस्त 1942 नूं महात्मा गांधी ने भारत छड्डो अंदोलन का नारा दिता सी, उस दिन उन्होंने नारा लाया सी कि अंग्रेजों भारत छड्डो, लेकिन अज अंग्रेजों ने भारत छड्ड दिता, अज देश ते कार्डबोर्ड घराने का कब्जा है, जिस करके असी लोगों को जागरूक करा रहे, ये भी कर रहे हैं कि किसानी जो है पिछले 8.25 महीने तो बार्डर से दिल्ली दियां बरूहां ते बैठी हुई है, लगातार किसान शहीदियां प्राप्त भी कर रहे हैं, मोदी सरकार अपनी अड़ी नहीं छड़ रही, असी उस मोर्चे च लोगों नूं लामबंद करके बचाण लई घर घर एक मुहिम है जिहड़ी चलाई जा रही है, असी नुक्कड़ नाटकां राही लोगों नूं जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों नूं इकट्ठे करके दस भी रहे हैं कि पिंड वासी आओ,
किसानों की मदद ले खड़ी है। जे किसान बचूगा तो ही साडा जिहड़ा देश बचूगा। सो साडा मकसद है 9 तरीक नूं जिला हैडक्वार्टर ते गिरफ्तारी लई पेश होना। किन्ने नाड़ कीते जी अज्ज? अज्ज असीं लगातार सवेर तो पहला ट्रक यूनियन च लगे, उत्थों कीता शुरुआत कीती है। वड्डे पद्धर ते लोकां ने सहयोग दिता, फिर असीं बरमला कीता ते हुण तलवाड़ा कीता। आने वाले शाम तक असीं होर पिंड जिहड़े 4-5 प्रोग्राम है जिहड़े होर करने हैं। ये साडी मुहिम है जिहड़ी लगातार चलनी है। हर रोज़ असीं लगातार जिहड़े सवेर तो लैके शाम तक नाटक है पिंड च जाके करने। किन्ने दिन तक चलना है? 8 तरीक तक, जिवें मैं पहले ही दस्सिया भी 8 तक आपां नाटक लगातार करने। 9 तरीक नूं असीं इक बहुत वड्डा इकट्ठ है जिहड़ी लामबंदी अपनी मुश्किलां लई असीं रोपड़ करने। इस मौके पर रेड आर्ट्स क्लब के कलाकार को भी सुने, उन्होंने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। वो ना नभा के उस गोदी मीडिया का जिहड़ा रोल नभा रहा, उन्हां दी गोद च बह के उन्हां दी गल कर रहा, तो फिर सरकार दे विच अंदोलन नूं लैके इन्हां कानूनां नूं लैके की तरसली मची हुई है, उस इस नाटक दे विच पेश करने की कोशिश की है। सो असीं यही कहने कि जिथे भी साडा नाटक हो सकता साडे नाल संपर्क करो, असीं नाटक करने लई तैयार हैं। नशियां ते भी नाटक कर रहे हैं, बेरोज़गारी ते भी नाटक कर रहे हैं, अंदोलन ते भी नाटक कर रहे हैं। रेड आर्ट्स पंजाब की टीम हमेशा नाटक करती रहेगी ते नाटक करती आएगी। एक ग्रामीण ने किसान अंदोलन का समर्थन करते क्या कहा, जे भी सुने। किसान अंदोलन की पूरी हिमायत करता जी, ये तिने काले कानून रद्द होने चाहिए है जी। ये किसान विरोध किसानों की विरोधता करते हैं, तो किसानों का पूरा साथ देवे डट गया जी। ये नाटक करते पूरे आनंदपुर साहब के 120 पिंड है, जिसे 120 पिंडा के सारे पिंड जाके ये टीम सारे पिंड जाके काले कानून की पहचान कराऊंगे जी। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, पंजाबियों की जिंद जान बब्बू मान। जी हाँ, पंजाबियों की जिंद जान दा बब्बू मान स्टोर हुण नंगल पलान मुख मार्ग ते पैंदे पिंड छुट्टेवाल विखे खुल गया है, जिथे तुहानूं मिलेगा तुहाडे दिलां दी धड़कण बब्बू मान ब्रांड दा हर जरूरी समान, जिवें कि परफ्यूम, जीन्स, टी शर्ट, कप, बैल्ट, लैदर दे पर्स, डीओ, कैप, फैंसी हैंड वॉच, मफरल, लोअर, ट्रैक सूट, पेंट कोट, ब्लेजर ते होर भी समान बाजार नालों सस्ते रेटां ते। तो फिर एक बार सेवा का मौका जरूर दियो, क्योंकि साडा दावा है कि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। जी हाँ, साडा दावा है कि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। सी मान साहब का जिहड़ा है नवा स्टोर खोलिया द बब्बू मान स्टोर, जिहड़ा कि क्लोथिंग ब्रांड है, ये आप छुट्टेवाले अपनी फस्ट फ्लोर पर खोलिया जी। इहदे च साडे को मान साहब का जी ब्रांड है जी, ये बहुत ही सस्ते मतलब वाजिब रेटा दे है। जिन्हें भी फैन है उन्होंने मेरे हाथ जोड़ के बेनती है कि सानू एक बारी सेवा का मौका जरूर देन। साडा पता नोट करो, तिमान एल्यूमीनियम फैब्रिकेटर दा फर्स्ट फ्लोर, पिंड छुट्टेवाल, नंगल पलान मुख मार्ग, जिला रूपनगर। मोबाइल नंबर 9876840702, 9495782.